नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे मीडिया टुडे टीवी। एक तरफ 34 साल के सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरी तरफ 94 साल के मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद। आमतौर पे कहा जाता है कि युवा खून में एक जोश होता है, एक जज्बा होता है दुनिया को बदलने का, लेकिन इस मामले में 94 साल के मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने सऊदी अरब के प्रिंस को आईना दिखा दिया है। एक तरफ सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका की गोद में बैठकर दुनिया भर के मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचारों को खामोशी से देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद खुलकर मुसलमानों की हिमायत करते हैं। महातिर मोहम्मद 1981 से 2003 तक मलेशिया के पीएम रहे थे, अब एक बार फिर वो 2018 में चुनाव जीते हैं। महातिर मोहम्मद मुस्लिम दुनिया को एक करने की बात कर रहे हैं। महातिर मोहम्मद ने 2018 में जब संयुक्त राष्ट्र आम सभा को संबोधित किया था, तब इसराइल को जमकर निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था इसराइल का बनना आतंकवाद का स्रोत है और यहीं से इस्लाम और मुसलमानों के प्रति दुश्मनी बढ़ी है। महातिर मोहम्मद 2018 में फिर से चुने जाने के बाद खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। पिछले साल 5 अगस्त को जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया, तब महातिर मोहम्मद ने यूएन की सभा में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि भारत ने कश्मीर पर हमला कर कब्जा कर रखा है। भारत में एनआरसी और सीए आने के बाद भी महातिर मोहम्मद ने भारत की आलोचना की और कहा कि अगर वो मलेशिया में एनआरसी लागू कर दे तो तब क्या होगा। इस बात में भारत ने आपत्ति जताई है और काफी आलोचना की है, पर महातिर मोहम्मद पीछे नहीं हटे। क्वालालंपुर में 19 दिसंबर को आयोजित इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में महातिर ने सऊदी अरब को चुनौती देते हुए उसके विरोधियों को बुलाया। सऊदी को भी इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, लेकिन उसे लगा कि यह ओआईसी को चुनौती है, इसलिए वो अपने सहयोगी देश संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और बहरीन के साथ नहीं आया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस समिट में जाने वाले थे, लेकिन सऊदी ने जाने से रोक दिया। खाड़ी के देशों में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद कहते हैं कि महातिर मोहम्मद का अपना एक विजन है, वो मुस्लिम देशों का एक नया मंच बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन पूरी तरह से अप्रभावी हो गया है और एक नया मंच बनना चाहिए। मलेशिया को महातिर मोहम्मद ने इस्लामिक चेहरा रखते हुए आधुनिक देश बनाया है, वो चाहते हैं कि बाकी के इस्लामिक देश भी ऐसा ही करें। जब महातिर मोहम्मद 1981 से 2003 तक मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे, तभी भी उन्होंने ऐसी ही कोशिश की थी। मलेशिया के पास जब ओआईसी की अध्यक्षता आई थी, तभी भी उन्होंने इसमें सुधार करने की कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब ने होने नहीं दिया था। महातिर मोहम्मद का बड़ा विजन है, लेकिन ये कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस बार भी सऊदी अरब ही नहीं होने दे रहा है। मलेशिया की प्रधानमंत्री चीन में विगर मुसलमानों को लेकर भी बोल चुके हैं, जबकि बाकी के मुस्लिम देश खामोश ही रहे हैं। सऊदी अरब में मक्का मदीना है और यह दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पवित्र स्थल है। सऊदी खुद को मुसलमानों का प्रतिनिधि देश भी मानता है, लेकिन उसने विगर मुसलमानों के समर्थन में कभी कुछ नहीं बोला। चीन ने जमाल खगोशी की हत्या को सऊदी का आंतरिक मामला कहा था। सऊदी ने भी विगर मुसलमानों को चीन का आंतरिक मामला कहा है। वो कहते हैं जब हम मुस्लिम वर्ल्ड कहते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई एकजुट दुनिया है जिसमें सारे मुस्लिम देश हैं, जो कि है नहीं, क्योंकि दुनिया की राजनीति मुनाफे के आधार पर आगे बढ़ रही है, ना कि मजहबी समानता के आधार पर। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने पिछले महीने 19 दिसंबर को मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुर में मुस्लिम देशों से आग्रह किया था कि अमेरिकी एकाधिकार को खत्म करने के लिए आपस में वित्तीय और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने की जरूरत है। रूहानी ने ये बात मलेशिया में आयोजित इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में कही थी। रूहानी ने मुस्लिम देशों के बीच स्थानीय करेंसी में इस्लामिक फाइनेंशियल पेमेंट के साथ मुस्लिम क्रिप्टो करेंसी का भी प्रस्ताव रखा था, ताकि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध को अपना दबदबा एकाधिकार जमाने में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। 3 दिनों तक चली इस कॉन्फ्रेंस उद्घाटन समारोह में रूहानी ने कहा था, अमेरिका के वित्तीय शासन और उसके डॉलर के दबदबे को कम करने के लिए मुस्लिम देशों को साझा कदम उठाने की जरूरत है। इस कॉन्फ्रेंस में ईरान के अलावा तुर्की और कतर भी आया था। मलेशिया इसकी मेजबानी कर रहा था। सबसे दिलचस्प है कि इस कॉन्फ्रेंस से सऊदी अरब ने खुद को अलग रखा था।
क्योंकि यह सऊदी के दबदबे वाले संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के मंच तले नहीं हो रही थी। सऊदी और ईरान की दुश्मनी भी जगजाहिर है। दुनिया के दो बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया और पाकिस्तान भी इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे। पाकिस्तान तो कहकर इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया था। इसी कॉन्फ्रेंस में जहां इस्लामिक दुनिया से एक होने की बात कही जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ इसके गहरे मतभेद भी खुलकर सामने आए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने अपने भाषण की शुरुआत ही OIC पर हमले से की। अर्दोगान ने कहा था कि हम लोग फलस्तीन को लेकर अब तक कुछ नहीं कर पाए, हम अपने संसाधनों की लूट भी नहीं रोक पाए, हम ये भी कहने की स्थिति में नहीं है कि मुस्लिम दुनिया में जो भी विभाजन है उसे हम रोक पाएंगे या नहीं। दुनिया के 94% टकराव मुसलमानों के बीच ही है और पश्चिम के देशों की हथियारों की सबसे ज्यादा बिक्री भी मुस्लिम वर्ल्ड में ही हो रही है। मुस्लिम अपने संसाधनों का इस्तेमाल एक दूसरे से लड़ने के लिए हथियार खरीदने में कर रहे हैं, तो पश्चिम के देश इसे कारोबार के तौर पर ले रहे हैं। ईरान अभी अकेला है और मलेशिया के साथ से वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस्लामिक दुनिया को एक करने का सपना 94 साल के महातीर मोहम्मद का शायद सपना ही रह जाएगा।